पैसे बर्बाद करने वाली बात है। देखो कुछ भी नहीं, थोड़ा सा पानी लोगों के लिए हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज हम आपके पास आए हैं व्लॉग लेक और व्लॉग लेकर आज हम जाएंगे समुद्रकंठा झील। तो समुद्रकंठा झील को दो रास्ते लगते हैं, एक लगता है एबटाबाद वाली तरफ से, एक लगता है मरी वाली तरफ से। अगर आप एबटाबाद वाली साइड से आते हैं तो कुल सफ़र आपका बन जाएगा 33 किलोमीटर का, और आप मरी वाली साइड से भी आ सकते हैं। अगर आप एबटाबाद वाली साइड से समुद्रकंठा झील जाना चाहते हैं तो एबटाबाद से आते हुए बाड़ा गली जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ पर राइट साइड पे आपको समुद्रकंठा झील की डायवर्जन मिलेगी। बाड़ा गली के ख़त्म होते ही आपको रोड की साइड पे ये वाले बोर्ड लगे हुए नज़र आते हैं, यहाँ से आपने राइट साइड पे पहुँच जाना है तो आप समुद्रकंठा झील की तरफ चले जाएंगे। तो गाइज़ ये जो भी आपको रास्ता नज़र आ रहा है ये वे डायवर्जन लेने के बाद रास्ता है। इसके स्टार्ट में आपके पास पक्का रास्ता आता है और उसके बाद थोड़ा सा कच्चा पैच है। कुल 3 किलोमीटर डायवर्जन लेने के बाद 3 किलोमीटर तक सड़क पक्की है और उसके बाद 2 किलोमीटर की सड़क कच्ची है। तो ये जो अभी मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ ये पक्का वाला रास्ता है, लेकिन तंग रोड है, तंग रास्ते हैं, तो आपने यहाँ पर थोड़ी सी एहतियात से जाना है क्योंकि वन सिंगल रोड है और गाड़ियाँ दो तरफ से आती जाती हैं। तो कोशिश करें कि हफ्ते और इतवार वाले दिन यहाँ पर आने से गुरेज ही करें क्योंकि अक्सर यहाँ पर ट्रैफिक जाम होती है, लेकिन अगर आप दूसरे दिन फ्री हैं तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। आप तो नाज़रीन ये जगह नेचुरल ब्यूटी से भरपूर है। अगर आप नेचुरल ब्यूटी या फिर कुदरती शाहकार और खूबसूरत जगह देखने के शौकीन हैं तो इस जगह को आपको लाजमी विजिट करना चाहिए। जो कि आपको सड़क नज़र आ रही है ये भी हम सही वाले पैच पर हैं, रफ वाला पैच, इसके बाद स्टार्ट होगा। ये भी पक्की सड़क है लेकिन थोड़ी सी तंग है, लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और प्यारे व्यूज हैं रास्ते में जाते हुए। ये यहाँ से इसका कच्चा पैर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इसके बाद सड़क थोड़ी सी ख़राब हो जाती है और ये ख़राब सड़क तकरीबन 2 किलोमीटर तक कंटिन्यू करती है। तो कोशिश करें अगर आपके पास 4x4 गाड़ी हो या फिर ऐसी गाड़ी हो जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा हो तो वही आप लेकर इस तरफ आएंगे। तो गाइज़ अभी हम कच्चे वाले पैच पर ही कंटिन्यू कर रहे हैं, ये आप सामने देख सकते हैं। अभी दूर से हमें वो जगह नज़र आ रही है जहाँ पर हमने जाना है, वो सामने वाली जगह है, काफ़ी खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ पर कुछ हादसात हुए थे पहले। यहाँ पर काफ़ी मज़े की फैसिलिटीज़ थी, जिप लाइन हुआ करती थी, बच्चों के खेलने की जगह थी, ग्राउंड वगैरह थे, लेकिन यहाँ के लोकल्स के तनाज़ात की वजह से यहाँ पर अब पहले जैसा माहौल नहीं रहा, लेकिन इसको अब दोबारा हुकूमत की मदद से रीनोवेट किया जा रहा है क्योंकि ये प्यारी जगह है और एक अच्छा टूरिज़म का स्पॉट है, ठीक है। वो सामने आप घर देख सकते हैं, ये स्लाइडिंग की वजह से ये घर भी टूट गया, तो सावन में कोशिश करें इस जगह पर आने से अवॉइड करें। बाकी जब मौसम अच्छा हो, धूप वगैरह अच्छी हो, गर्मियों में मैं आपको प्रेफर करूंगा कि गर्मियों में आपको इस तरफ लाजमी विजिट करना चाहिए। ये गाइस अभी हम पहुंच गए हैं समुद्रकंठा झील पे, ठीक है। ये तो पैसे बर्बाद करने में बात है, देखो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा पानी रोक के लोगों ने झील बनाई हुई है। तो ये पिछली साइड से भी आपको बताते हैं क्या है यहाँ पर। ये टोटली वैसे दूसरी झील है जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये बस, ठीक है। ऊपर वाली साइड से भी आपको बताते हैं, यहाँ से आप सेटअप बनाया हुआ है और वो नीचे टूरिस्ट के लिए प्यारी सी जगह बनाई हुई है जहाँ पर लोग इंजॉय वगैरह कर सकते हैं। खाने वगैरह की सहूलियात भी मैसर है यहाँ पर, खाने वगैरह का भी है, थोड़े बहुत होटल रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन झील ये छोटी सी है। कब है 50-50 सी जगह है, रास्ते में आप लोग देख सकते हैं जगह जगह पर कंस्ट्रक्शन टूटी हुई है, सही है, स्लाइड्स आई हुई हैं। तो कोशिश करें कि सावन के महीने के अंदर ना, या फिर जब बारिशें हों, जब स्लाइडिंग वगैरह हो, तब आप इस तरफ आने से बचें, ठीक है, ताकि अपने भी नुकसान ना हो और लोगों का भी नुकसान ना हो। स्लाइड्स आई हुई हैं जगह जगह पर, कंस्ट्रक्शन टूटी हुई है, इसी तरह की चीज़ें हैं। गाइस आप देख सकते हैं ये जगह, ये एक आबशार है, समुद्रकंठा झील से थोड़ा सा पीछे राइट साइड पर है। ये भी बहुत खूबसूरत सी जगह है, ठीक है, वहाँ से बहती हुई यहाँ से निकल रही है और ये जा रही है, ये देखें।
थोड़ा सा फोल्डिंग के बीच में पैच आता है, थोड़ा सा प्यारा सा। ये गाइस रास्ते में हमें खच्चर, घोड़े, खोदे सब कुछ नजर आ रहे हैं। सिंगल है और ट्रैफिक डूब गई है, तो थोड़ा सा बंदा ये गाड़ी जाते हुए तंग।